हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम विवेक मिश्रा और आप देख रहे हैं हम सबका प्यारा चैनल। आज की वीडियो थोड़ा छोटी है, बट जितनी छोटी है उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, जो कैली हैमिल्टन थ्योरम होता है वो लगभग लगभग आपके एग्जाम में 90% आने की संभावना रखता है। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो छोटी है बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा। इसके बेस पर क्वेश्चन भी हम बताएंगे, जल्द ही वीडियो आपको मिल जाएगी। पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन हल करा दें। थ्योरम हमारी क्या कहती है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। पहले इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, जब भी आपका क्वेश्चन पूछेगा या तो कह देगा स्टेट एंड प्रूव कैली हैमिल्टन थ्योरम, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। या फिर अगर आपको न दिया गया तो लिख दिया गया कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। स्टेटमेंट भी दे देता है कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वे अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। आप उसको याद रखना होगा कि आपका वो कैली हैमिल्टन थ्योरम है एंड स्टेटमेंट ही याद करना होगा। ध्यान से पढ़िएगा, दो तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने आपको बता दिए। अब चलिए देख लेते हैं, इसका स्टेटमेंट हुआ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है कि इफ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि कोई हम ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए मान लेते हैं जो एन ऑर्डर का है, तब हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस लेमडा का डिटरमिनेंट जो होगा माइनस वन पावर एन होगा, फिर लेमडा एन, फिर ए वन लेमडा एन माइनस वन। ए वन ए के मान बढ़ता जाता है, ए टू ए थ्री ए एन तक चला जाता है, और लेमडा का मान ए के घटता जाता है, एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर, एन माइनस एन तक चला जाएगा तो लेमडा एन माइनस एन मतलब लेमडा पावर जीरो, जब लेमडा पावर जीरो हो जाएगा तो क्या जाता है, वन आ जाती है वैल्यू, इसलिए एन एन बचा। क्लियर। अब देन द मैट्रिक्स इक्वेशन, तब ये जो मैट्रिक्स होगा वह इस प्रकार का इक्वेशन बना लेगा, एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन, लेमडा का हमारा क्या हो जा रहा है, एक्स हो जा रहा है कि एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स पावर एन माइनस टू, जहाँ जहाँ है लेमडा वहाँ वहाँ एक्स हो जा रहा है। यहाँ से ए एन आई इक्वल टू जीरो ही हमारा क्या बन गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन क्या होता है आप जानते हैं, इतना होता है इक्वल टू जीरो होता है, ये तो आप लोगों को बढ़िया से मालूम ही है। उसके बाद हम देखते हैं विच सेटिस्फाई, जो कि सेटिस्फाई करता है, आपको हमने बताया कि यदि एक्स इक्वल टू ए आ जाए, एक्स इक्वल टू मतलब एक्स की जगह पर जब ए रखते हैं तभी यह कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यदि एक्स की जगह हम ये रख दें, यदि हमारा थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगा तब ये क्या कहलाएगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रख देते हैं, तो इस सेटिस्फाई बाई एक्स इक्वल टू ए, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स जगह ए रख देते हैं, पूरा हमारा इक्वेशन बन गया इतना। यदि ये इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो जाएगा। चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका। तो अगर क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें पूरा याद रखना होगा, ये नहीं कितना आपका दिया रहेगा, कहेगा स्टेट एंड प्रूफ कैली हैमिल्टन थ्योरम, अदरवाइज सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आपको ये पूरा दिखाना होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ नहीं किया हमने। हमने क्या किया, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए माना और ऑर्डर एन का, तो ए माइनस लेमडा इक्वल टू माइनस वन पावर एन, फिर लेमडा पावर एन हो गया, लेमडा पावर एन माइनस वन लेमडा की वैल्यू घटती जा रही, ए की वैल्यू बढ़ती जा रही। उसके बाद आगे देखते हैं कि तब इक्वेशन क्या बनेगा, जो अंदर वाला है यही इक्वेशन बन जाएगा, लेमडा जो है क्या रख दिया जाता है, एक्स इक्वल टू जीरो। यदि यह इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा तब यह हमारा क्या कहलाएगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम। चलिए ध्यान से देखेंगे प्रूफ। सिंस द एलिमेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई आर एट मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन लेमडा, सिंस चूंकि द एलिमेंट ऑफ ए माइनस लेमडा, जो ए माइनस लेमडा आई के एलिमेंट है, आर एट मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन लेमडा, जो कि कम से कम सभी लेमडा के फर्स्ट डिग्री में है। आप देख सकते हैं ए माइनस लेमडा आई है जो कि लेमडा के फर्स्ट डिग्री सभी सभी हैं, कम से कम एट मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डिग्री लेमडा द एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई। तो जब ए माइनस लेमडा आई का अब एडजॉइंट निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, अभी तो नहीं निकाले, आप निकालेंगे एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई का जो एलिमेंट होगा आर ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल इन लेमडा, वह ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल होगा, जो एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई की जो वैल्यू होगी वह ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल होगा, किसका, लेमडा का, ऑफ डिग्री एन माइनस वन, एन माइनस वन डिग्री का। अर्थात पहले जो लेमडा पावर एन लिखा गया है यह हट जाएगा, ए वन की जगह क्या हो जाएगा, हम कोई मैट्रिक्स बी मान लें या सी मान लें, तो बी जीरो लेमडा एन माइनस वन, इस प्रकार हो जाएगा। यही चीज कह रहा है
ऑर्डिनरी पॉलीनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री एन माइनस वन, तो इवन की डिग्री ने लेकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा एन माइनस वन डिग्री ली जा रही है। आर लेस अदरवाइज लेस उसे होगी एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, मतलब लेस होता जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई कैन बी रिटन एज, जब अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई किस प्रकार लिखा जा सकता है, एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई हमने बताया आपको ये वाली वैल्यू ना लेकर के ये वाली वैल्यू ली जाएगी, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए बी मान लीजिए सी मान लीजिए डी मान लीजिए जो आपकी इच्छा का है सो मान लीजिए, बट जब यहाँ से चलोगे इसकी पावर जीरो, जिससे यहाँ पर अगर चालू हुआ था ए क्या था ए जीरो था, तो इसलिए इसकी वैल्यू नहीं लिखी गई, तो यहाँ पर बी जीरो हो जाएगा लैम्डा एन माइनस वन, फिर बी वन हो जाएगा लैम्डा एन माइनस टू, क्लियर। ये तो ए माइनस लैम्डा आई था, तो बी जीरो यहाँ से चालू हो रहा है ए बन गया बी जीरो, बी जीरो लैम्डा एन माइनस वन, फिर बी वन लैम्डा एन माइनस टू, बी थ्री लैम्डा एन माइनस थ्री, सो ऑन बी एन माइनस टू लैम्डा पावर क्या लैम्डा पावर जो भी आएगा हमारा एन माइनस एम मान लीजिए कोई भी मल्टीप्लीकेशन का, तो या फिर एन माइनस वन मान लीजिए वहां पर, ताकि आपका ये पहला वाला एन माइनस वन होगा अर्थात एन माइनस एन होगा, एन से एन कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये तो होता है ये बी एन माइनस वन है, तो लैम्डा पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा पावर मान लीजिए यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर लैम्डा पावर जीरो होगा, ये इसकी मान वन आ जाएगा, तो लैम्डा पावर जीरो माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकेट में रहता है ये माइनस में रहता है, ये ब्रेकेट खुल गया तो ये प्लस में हो गया ये माइनस में, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हमारा जीरो माइनस एन माइनस यहाँ पर भी रहेगा प्लस एन करके, ये यहाँ कटेगा लैम्डा पावर जीरो माइनस एन प्लस वन प्लस एन, यहाँ से एन कटा लैम्डा पावर एन वन बचा, लैम्डा पावर वन यहाँ पर लिख दिया गया, क्लियर समझ गए। चलिए तो बी एन माइनस टू लैम्डा एंड यहाँ पर लैम्डा पावर जीरो बच गया हमारा, समझ में आ गया। और यहाँ पर बी जीरो बी वन बी टू हम क्या लिए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, आप लोग जानते हैं बी वन बी जीरो बी टू ये क्या है एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नोट कर लीजिए फटाफट से, बहुत अच्छे। तो देखेंगे आगे करना कुछ नहीं है, अब एकदम सिंपल हो चुका है, आप लोग समझ चुके। तो चूंकि हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है नहीं होता है, होता है आपको पढ़े, तो मॉड ए जब यहाँ से निकालेंगे तो एडजॉइंट ए अपॉन ए इनवर्स हो जाएगा, जब ए इनवर्स को ऊपर ले जाएंगे तो ए बचेगा बचेगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक जगह हमने क्या लिया था ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाई में आई कर सकते हो कि किसी में भी मल्टीप्लाई अगर आई करते हैं तो उसकी वैल्यू कोई परिवर्तन नहीं होता, हम ए माइनस लैम्डा आई के रूप में करने के लिए किया है। तो एक जगह हमने ए माइनस लैम्डा आई, एक जगह ए माइनस लैम्डा आई। अब ध्यान देंगे टोटल आप समझने वाली बात है, यहाँ पर समझेंगे बहुत ध्यान से, ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हमने आपको निकलवाई थी नहीं, शुरू में देखिए पेज पलटिए, ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू आपको निकलवाई गई थी कुछ इतना ए माइनस लैम्डा आई वैल्यू, और ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू हमने ए माइनस लैम्डा आई रखा भी मल्टीप्लाई कर देंगे, एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई की भी वैल्यू निकलवाई गई थी बी नॉट ए पार एन माइनस वन बी वन लैम्डा पार एन माइनस टू बी एन माइनस टू लैम्डा निकलवाई गई थी, ठीक समझ गए, भी पिछले वाले रफ में लिखवाया गया था। फिर देखिए अब क्या किया हमसे मल्टीप्लाई किए, इतना हमने सेम रख दिया प्लस बराबर ए का इसमें कर दिए ए बी नॉट लैम्डा एन माइनस वन, फिर ए बी वन लैम्डा एन माइनस टू, तो पहली बार ए का पूरा मल्टीप्लाई कर दिया प्लस बी इसमें लगा दिया, यहां पर माइनस लैम्डा आई सब कर देंगे, माइनस लैम्डा आई जब इसको करेंगे तो माइनस लैम्डा आई में करेंगे कोई दिक्कत होगी, या फिर आई यहाँ पर लिख लीजिए इंटू करके पूरा पूरा का पूरा आई ले लीजिए, तो ए माइनस लैम्डा आई करेंगे तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, तो लैम्डा एंड बी नॉट आई लैम्डा पावर एन माइनस वन, वही हमने किया है माइनस लैम्डा बी नॉट लैम्डा पावर एन माइनस वन आई बाहर कर लिया, तो एक बार लैम्डा आई से उड़ा कर देंगे इसमें, इस प्रकार इसमें कर देंगे बी वन लैम्डा आई लैम्डा पावर एन माइनस टू। अब हम जानते हैं जब यहां पर लैम्डा है लैम्डा एन माइनस वन अर्थात लैम्डा इंटू लैम्डा पावर एन माइनस वन, तो लैम्डा पावर वन होता है इंटू लैम्डा पावर एन माइनस वन, गुणे में घाते जुड़ती है लैम्डा पावर वन प्लस एन माइनस वन, ये कटा लैम्डा पावर एन बचेगा। अब जब लिखेंगे लैम्डा पावर एन ये हमने सेम वैल्यू उतार दी है, ठीक
कुछ नहीं किया है, इसमें भी माइनस वन पावर एन का गुणा कर दिया है, ये सभी का वैल्यू अलग अलग लिख दिया है। फिर इसमें ये कोई परिवर्तित होगा नहीं। अब यह इसमें जब ध्यान देंगे, ये हमने बताया माइनस लेमडा, लेमडा पावर एन माइनस वन, हल करने के बाद लेमडा पावर एन आएगा, हमने आगे कर लिया लेमडा पावर एन, बीटा नॉट बी नॉट माइनस में था माइनस में कर लिया। अब यहाँ से देख सकते हैं ए बी ना ए बी जीरो लेमडा पावर एन माइनस वन, और इसमें भी वही मिलेगा बी वन लेमडा पावर एन माइनस वन मिल रहा है, लेमडा पावर एन माइनस वन, लेमडा इंटू लेमडा एन माइनस टू, हल कीजिए लेमडा इंटू लेमडा एन माइनस टू, तो ये वन होता है, तो लेमडा पावर एन माइनस वन हुआ, तो लेमडा पावर एन माइनस वन कॉमन हो गया, यहाँ पर क्या बचा था बी नॉट ए बी नॉट, और यहाँ पर क्या था बी वन, यहाँ पर क्या हुआ बी वन, इसी प्रकार यहाँ पर कॉमन हो गया, ये लेमडा लेमडा एन माइनस टू घट के लेमडा एन माइनस वन हो गया था। इसी प्रकार आगे देख लेंगे, आगे हमारा बचेगा ए बी एन माइनस वन। अब हम कंपेयर कराएंगे, ध्यान दीजिएगा कंपेयर कराएंगे, माइनस वन एन है और लेमडा पावर एन आई है, तो कंपेयर कराएंगे माइनस बी, यहाँ पर देख ले लेमडा एन मिल रहा है इसलिए इससे कंपेयर होगा माइनस वन पावर एन आई, ये हमने लिखा इक्वल टू बीटा बी नॉट आई लिख दिया। अब सेकंड वाला कंपेयर करा दीजिए, माइनस वन पावर एन ए वन लेमडा एन माइनस वन, लेमडा एन माइनस वन इसमें भी है, लेमडा एन माइनस वन इसमें भी है, अर्थात इसकी वैल्यू इसके वैल्यू की इक्वल होगी, हमने लिख दिया माइनस वन पावर एन ए वन आई इक्वल टू इतना वैल्यू ए बी नॉट एन। इसी प्रकार हम आगे तो नहीं लिखे, आगे लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं कि तो कोई मतलब ही नहीं बचता। फिर हमारा क्या बचता है लास्ट में, माइनस वन पावर एन ए एन आई, और ये किससे कंपेयर हो जाएगा ए बी एन माइनस वन से, क्लियर। तो ये हमने कह दिया माइनस वन पावर एन ए एन आई इक्वल टू ए बी एन माइनस वन। अब हम देखते हैं प्री मल्टीप्लाइंग दिस सक्सेसिवली बाय ए पावर एन ए पावर एन माइनस वन, ऐसे धीरे धीरे वैल्यू घटती घटती आई तक और आइडेंटिटी बचती है, वहां तक हम क्या करते हैं आइडेंटिटी का बचेगी, जब ए पावर एन माइनस एन हो जाएगा मतलब ए पावर जीरो, ए पावर जीरो मतलब वन आता है, वन मतलब आई। तो हम पहले प्री मल्टीप्लाइंग दी सक्सेसिवली बाय ए, हम इसे ए पावर एन माइनस वन से गुणा कर देते हैं और ऐड कर देते हैं सबका, तो माइनस वन पावर एन था ही, ए पावर एन प्लस ए वन ए पावर एन माइनस वन प्लस ए टू ए पावर एन माइनस टू सो आर इक्वल टू जीरो, ये भी उधर साइड जाकर इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ये क्या बचा हमारा ए पावर एन प्लस ए वन ए पावर एन माइनस वन, ये इतनी वैल्यू बची इक्वल टू जीरो। अर्थात हम कह सकते हैं ये लेमडा पावर एन प्लस ए वन लेमडा पावर एन माइनस वन प्लस ए टू लेमडा पावर एन माइनस टू इक्वल है किसके, इस इक्वेशन के। सो यह कैली हैमिल्टन थ्योरम हमारा प्रूव हो गया, बहुत ही सिंपल था, वेरी 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 सिंपल, एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में नियर अबाउट 90% 90% आने की संभावना रहती, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय कृष्णा दोस्तों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अगली वीडियो का आने का इंतजार कीजिए, अगली वीडियो हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक।